परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसको देखते हुए हर बार की तरह पीएम मोदी ने इस बार भी बच्चों से परीक्षा को लेकर सीधी संवाद की है और उनके सवालों के जवाब दिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर के स्कूली विद्यार्थी वर्चुअली जुड़े। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर के महल स्थित न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के छात्र वर्चुअली जुड़े और उनके दिए गए टिप्स को बारीकी से सुना। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य रूप से यहां उपस्थित थे। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में मैंने जानबूझकर कुछ तमिल भाषा से जुड़ी बातें बताई क्योंकि मैं दुनिया को यह दिखलाना चाहता था कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारे पास है। वही शिक्षकों को लेकर पीएम ने कहा कि हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा। जब विद्यार्थी आपसे सवाल करते हैं तो उसका लक्ष्य ज्ञान को परखना नहीं है, विद्यार्थी की जिज्ञासा ही उसकी बहुत बड़ी अमानत है। खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। और इसलिए हमें भी वही फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, कितना करो सलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।